Hi guys. Hi guys. Welcome back to my YouTube channel, Gorgeous Foodie, and this is me, Gorgeous Foodie, with this actually foodie, and I'm gorgeous and he's foodie. So I'm gorgeous, he's foodie, and we are back with a new recipe today, and we are going to make mutton curry. रोज़ की फरमाइश है इनकी. आज मटन खाना था तो मेरा बहुत मन था मटन खाने का. इनका भी मन होता खाने का. तो मन तो मैं फूडी ऐसे थोड़ी हूँ. गॉर्जियस आप तो फिर फूडी मैं हूँ ना. इतना कौन खाता है फिर. तो ठीक है, आज मटन बनाएंगे. तो आज आपको दिखाते हैं कि मटन कैसे बनाना है. एंड आज प्लीज बनाओ और हमें भी बताओ कि कैसा लगा. ये आपको सबसे सिंपल रेसिपी हम सिखा रहे हैं मटन की, जो जल्दी से जल्दी बन जाएगी. तो हम स्टार्ट करने वाले हैं. चलो स्टार्ट करें. सबसे पहले हम डालेंगे देसी घी. डालो जी, डालो देसी घी. डालो मसाला रेडी करेंगे. अराउंड मैंने भर के देसी घी डाला क्योंकि हम सिर्फ देसी घी में ही कुक करने वाले हैं. देसी क्यों याद आएगा सबका. प्यो नहीं बोला हमने. क्यों श्यो नहीं. क्यों आज मैंने बोल के जो बोला था. तो अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का क्रश. जिंजर गार्लिक है ये बेसिकली. ठीक है. ये अराउंड 2 टेबल स्पून होगा. दो चम्मच डालेंगे हम. ये थोड़ा सा वो ला रहे. फिर आपका रोज इसमें नई नई चीजें खाने का मन क्यों करता है. क्योंकि मेरे टेस्ट बर्ड ही ऐसे हैं. मुझे फूड फूड खाने का मजा ही अलग है और फूड खाने का मन बड़ा करता है. तो खाने का मजा ही अलग है, फूड खाने का मजा ही अलग. हाँ मजा नहीं अलग, मैंने कहा मन करता है. अच्छा हाँ, तो फिर डिफरेंट डिफरेंट तो चीज़ बननी चाहिए ना कुछ. रोज एक एक खा खा के वही दाल रोटी 25 साल से खा रहे हैं. अच्छा 25 साल से खा खा के आप बड़े हुए हैं. तो उसी को आप कोस रहे हैं. अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो है हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है. तो आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए क्योंकि अब हम इसमें डालने वाले हैं प्याज. इसमें एक बड़ा प्याज है और एक नॉर्मल साइज का है और ये हमने चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया इसको. ठीक है. और बस अब हम ये हमने फिर डाल दिया. ये तो नहीं उलारे मारेगा. नहीं हल्का फुल्का तो मार ही रहा है. हल्का फुल्का तो मारेगा ही. वैसे ही हम भी उलारे मारेंगे कि क्योंकि अब हमारा रेडी होने वाला खाना, तो उससे पहले हम उलारे मार रहे हैं कि जल्दी रेडी हो. ले उलारे नहीं, कॉपीराइट आ जाएगा. नहीं जी कॉपीराइट क्या आएगा. गाना गाने लगी थी ना. तो क्या हुआ. नॉट स्पॉन्सर्ड. हैशटैग नॉट स्पॉन्सर्ड. ये हमने ट्रैवलिंग देसी सीखा है जो हमारा बहुत अच्छा फेवरेट ट्रैवल ब्लॉगर है. अब इसको होने देते हैं. हम थोड़ा थोड़ा इसे पकने देंगे जैसे कि आप देख रहे हैं कि पक रहा है और हम भी पक रहे हैं जब तक खाना बनेगा. इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ मैं क्योंकि सॉल्ट डालने से क्या होता है, 1/2 टेबल स्पून है कि जो कुकिंग का प्रोसेस है वो जल्दी हो जाता है एंड कोई भी चीज जो है वो चिपकती नहीं है. ओके सरफेस के साथ. सही है, बहुत अच्छी चीज बताई है आपने. मैं सारी अच्छी चीजें बताती हूँ ना. अच्छी चीजें बताते बताते कहीं भूल मत जाना. क्या कुछ डालना रह ना जाए. नहीं कुछ नहीं रह जाएगा, आप क्यों टेंशन ले रहे. अभी इसको हम अच्छे से पकने देंगे जब तक ये प्रॉपर ब्राउन नहीं हो जाता. एंड ये अभी जैसे आप देख रहे हैं कि ये इतना मतलब थोड़ा फाइन नहीं है पेस्ट. तो ये हम जैसे जैसे वो पकता जाएगा वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे. ये पेस्ट अपने आप बनता जाएगा. अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं. तो लाओ फिर मुझे पानी दे दो, मैं पानी डाल दूंगा इसमें. अभी पानी नहीं डालना. तो क्योंकि अपना तो काम सिर्फ पानी निकालना है ना. पानी डालना है, सॉरी निकाल के डालेंगे ना, ऑब्वियस ही बात है. तो पानी निकालना और पानी डालना दोस्त हमारा काम है बस. वो हमें दे दो. नहीं सॉरी थैंक यू जी. आज हम बड़े सुचू पाके वैसे ही खड़े हुए तैयार. हम आपके लिए खाना बना रहे. कौन किचन में तैयार होकर खाना बनाता है मुझे बताओ. तो नाउ रेडी.
गर्मी तो लगेगी क्योंकि फिर वॉइस ऑडिबल होना चाहिए सबको। तो पंखा चला सकते हैं, हमारे पास पंखा किचन चलाओ, में पंखा भी पंखा चलाओ। वैसे एसी चल रहा है बाहर, और एक नंबर पंखा चला लो। चला लो, एक नंबर पंखा चला लो ताकि मैडम को तो गर्मी ना मेरे लगे। अब इसको कम से कम हमें करने में रेडी मसाला को लग जाएंगे अराउंड 25 मिनट्स, क्योंकि ये अच्छे से ब्राउन करना, बिकॉज अगर मसाला ग्रेवी ही स्वाद होगी तो ही तो आगे मटन स्वाद होगा सब्जी का। सही बात है, वो तो मैं बताऊंगा जब बनेगा। जब मैं बताऊंगा बनेगा, आपको फिर भी अच्छा कहना पड़ेगा हेलो। हाँ वो तो मजबूरी है। जैसे अब तक मैं आपको, अच्छा लास्ट टाइम जो हमने बटर चिकन बनाया था वो तो बहुत अमेजिंग था, आप लोगों ने देखा ही होगा, जैसे हमने वीडियोस में सारा डिस्क्राइब किया था और जो खाना बना था वो बहुत अमेजिंग था। तो गाइस बटर चिकन की रेसिपी ऊपर आ रही है, फ्लैश हो रही है, फटाफट तो देख वो लो। देख लीजिए जो पुरानी हमने वीडियो बनाई थी, बहुत अच्छा आपने रिस्पांस दिया था उसपे, तो थैंक्स फॉर दिस। और बाय द वे ब्लॉग ब्लॉग कैसा था हमारा हेरिटेज का? भाई हम कोविड में होके आए हैं, हिम्मत वाली बात चाहिए होती है कि इतने कोविड में भी हम होके आए वहाँ पे हेरिटेज। आपने हमारा लास्ट ब्लॉग देखना है तो आप ऊपर लिंक आ रहा होगा तो उसको देख लीजिएगा, और देखना कि आपको कैसा लगा। उसका भी नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो देख ही रहे होंगे, तो आप देखना सारे ब्लॉग्स हमने डाल दिए, तो आपको आई होप बहुत पसंद आए हो। ऐसे हम बहुत से ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते हैं, बट 2020 की वजह से, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस है, उसकी वजह से हम कुछ नहीं कर पाए, कहीं नहीं जा पाए, नहीं तो हमारा बहुत प्लान था जाने का, घूमने का, फिरने का। तो अभी छोटे मोटे ट्रिप से काम चला लीजिए, नहीं तो साथ में आपको गॉर्जियस फूडी तो है ही है, साथ में ट्रैवल भी हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो गया है, और थोड़े से जो प्याज है वो बड़े लग रहे हैं मुझे, तो हम जो है थोड़ा सा लाओ मुझे दो पानी डालेंगे मुझे बस डल ये इतना सा पानी डाल। अभी डलेगा, धीरे धीरे करके डलता रहेगा, पानी डालने से ये बहुत अच्छा पेस्ट बन जाएगा, पानी डालने से ये बहुत अच्छा पेस्ट बन जाएगा। ओहो अच्छा। और जैसे पानी डालने से बहुत अच्छा ही बेस बनेगा, समझ आ गई है सबको, बार बार एक चीज समझ नहीं आ रही। मतलब पानी डालते जाएंगे, पानी डालो पानी। अभी आपको बहुत वाटरी लग रहा होगा, बट जैसे जैसे ये कुक होगा इसका कलर चेंज होगा, एंड ये जो है बहुत ही अच्छा फाइन पेस्ट बन जाएगा, मतलब जो करी होगी उसमें मुंह में कुछ नहीं आएगा खाने को, प्लेन करी होगी। ओहो ये तो वहाँ पे वो बस वाले करते हैं, एक बार करना दोबारा। आप बड़ा बस में ट्रैवल करते हो? नहीं नहीं वो बस में ट्रैवल किया आपने? बस वाले करते हैं जो जैसे कॉर्नर पे खड़े होते हैं स्ट्रीट्स के, बस वो करते हैं, वो वैंस जो ऐसे कर जो टक 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 करता है उससे जब चौमिन बना रहा होता है खाना बनाने की। वेरी गुड, मैं खाने की फील लूंगा खाते हुए। मैंने पोहा भी बनाया था। ओके कांदा पोहा, उसकी भी रेसिपी हम जरूर डालेंगे, जो लोग कहते हैं उनको हेल्दी खाना है, एक्चुअली उसमें बहुत सारे कार्ब्स होते हैं, और जो हम आज बना रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन एंड फैट है, तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए भी है जो लोग कीटो डाइट करते हैं, जैसे कि ये कर रही हैं अभी। मैं कुछ नहीं कर रही फिलहाल। मैं अभी बहुत खाया है, अभी ही मैं रिसेंटली अभी जस्ट खा के आई हूँ, मैंने डेट्स खाए हैं, पीनट्स खाए हैं, एंड ये उनके लिए है जो बेसिकली करते हैं कीटो डाइट और नॉन वेजिटेरियन है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है उनके लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैट्स एंड प्रोटीन एंड फैट बहुत अच्छा है, और आपको जो हमें बेसिकली लेना होता है अपनी डाइट में। और जिम लवर्स के लिए भी है, जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो बेस्ट है मटन, जो उसको उनको न्यूट्रिशन देंगे। इसको आप चपाती के साथ, राइस के साथ, जिसके साथ मर्जी खा सकते हो, बस खा लो, हमें क्या है। और मुझे पता है इस वीडियो के बाद हमें बहुत सारे मैसेजेस आने वाले हैं कि इतना सारा खाना जो बनाया था वो कहाँ गया, कि वो हमारे पास नहीं भिजवाया, हमारे पास नहीं भिजवाया। हाँ। तो सबके घर आएगा, टेंशन मत लीजिए, नहीं तो आप हमारे घर आ जाइए खाने के लिए, हम आपको जरूर खिलाएंगे। हाँ। तो जैसे कि आपको दिख रहा है ये ब्राउन हो गया है, ब्राउन ब्राउन। हाँ। एक बार हम दूसरी लाइट में भी दिखाते हैं आपको, देखिए ये जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये ब्राउन हो गया है प्रॉपरली, और ये कितना इतना सा रह गया है ये। हाँ इतना सारा था, पूरा कलेरा मचा हुआ था, तो थोड़ा सा ही रह गया, क्योंकि ये जो है लाइट जला ही देते हैं यार, बड़ा अजीब सा लग रहा है। इधर वाला बटन है। ओके हाँ
तो ये अब जो है इतना सा ही रह गया, बिकॉज ये जो होता है कम हो जाता है ऑब्वियसली, आपको पता ही होगा। तो ये अब बहुत अच्छे से ब्राउन हो गया, हमने इसको बर्न नहीं करना, हमने इसको ब्राउन करना है। ठीक हमने क्या लिया है, ये 4 टोमेटोज की प्यूरी है ठीक है जिसमें एक हरी मिर्च है। ठीक है, हरी मिर्ची। यस, वी डोंट यूज लाल मिर्च, वी यूज हरी मिर्च। उफ उफ, मिर्ची, हाय हाय मिर्ची। अरे कॉपीराइट आ जाएगा। कोई कॉपीराइट नहीं आता। हैशटैग नॉट स्पॉन्सर्ड। नॉट स्पॉन्सर्ड। ये बहुत अच्छे से ब्राउन हो गया है, अब हाँ, इसे डाल देंगे माय फेवरेट टमाटर। टमाटर, टमाटर पूरी। लाल लाल कैसे बना लाल? देख रहे हैं आप कैसा लग रहा है? लाल लाल लग रहा है काफी। अच्छा, अभी इसको ब्राउन देंगे, हम ब्राउन टेक्सचर दे देंगे। दे दो इसको ब्राउन टेक्सचर दो, और बहुत देर हो गई है, भूख भी लग रही है, जल्दी से बना दो यार। अभी तो टाइम लगेगा भाई साहब। सर मैं अपना दुपट्टा ठीक कर। ओहो, दुपट्टा रानी, बड़ी सियानी। आप ऐसे मोबाइल, हाँ, लाइट नहीं आ रही मेरे मुंह पे। ओहो, लाइट लाइट लाइटा मार दी कुड़ी। स्पॉट बॉय, स्पॉट बॉय कह दिए। हेलो स्पॉट बॉय तो कह, you spotted girl. I have always been spotted, you know. Oh. I'm a gorgeous foodie spotted. अब इसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे। थोड़ा सा हमने नमक पहले ही डाला, तो मैं थोड़ा सा नमक और डाल रही हूँ बस। लगभग 1/4 teaspoon. Okay. 1/2 tablespoon हम डाल रहे हैं रेड चिली पाउडर। लाल मिर्च पाउडर। Okay. Okay. तो अब हम इसमें डालेंगे अराउंड 1 टेबल स्पून के करीब सूखा धनिया। बिल्कुल सूखा जी, बिल्कुल सूखा धनिया डालेंगे। इसमें हम फिलहाल कुछ नहीं डालेंगे, उसको हिलाएंगे। मैं इसमें खड़े मसाले इसलिए नहीं डालती मटन में, क्योंकि मैं इसमें अभी गरम मसाला भी डालूंगी और मीट मसाला भी डालूंगी। जो बेसिकली जो हमारा गरम मसाला होता है वो हम घर पे बनाते हैं, और उसमें मैं ऑलरेडी सारे खड़े मसाले जो है डाल देती हूँ। स्टैंडिंग मसालास, नॉट स्टैंडिंग मसालास, फिर जिसको हम बोलते हैं ना ग्राउंड स्पाइसेस, वैसे खड़े मसाले और वैसे ग्राउंड स्पाइसेस। ठीक है, तो अब ये जो है ऑयल छोड़ेगा थोड़ा, तो हम है। करेंगे, और अब हम यहाँ तेल ना निकले, हमारा तेल जरूर निकल जाएगा खड़े खड़े। इसका तेल भी निकलेगा, टेंशन भी ले रहे हो। अब हमने लिया है मीट मसाला, किसी भी कंपनी का ले सकते हो आप। मीट मसाला डालो और उसमें 1 टेबल स्पून मीट मसाला डालो। ठीक है, थोड़ी सी हल्दी भी डालूंगी मैं, जल्दी डाल दो हल्दी, जल्दी डाल दो हल्दी, 1/4 टेबल स्पून जल्दी हल्दी, जल्दी हल्दी, जल्दी डालो हल्दी बस। दिस वाज सपोज्ड टू बी फनी। यस हनी, यस हनी, यू आर राइमिंग टुडे, माय गॉड। जल्दी डालो हल्दी, करो करो जल्दी। ठीक है, तो ये अब थोड़ी देर इसको हम जो है भुनने देंगे। अब थोड़ा सा मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून के करीब डाल रही हूँ गरम मसाला। और गरम मसाला, गरम मसाला काफी है। स्पाइसेस जो है वो इतनी काफी है, बाद में जो सॉल्ट वगैरह होगा वो जो है हम बाद में देख लेंगे, स्वाद अनुसार डालेंगे। साफ सीधी बात कही चाहिए, साफ सीधी बात, नो बकवास। स्प्राइट क्लियर है, नहीं। मटन क्लियर है। यस, यू कैन से दैट। चलो अब ये जो है अब इसको हम ऑयल छोड़ने देंगे। एक बार टेक्सचर देख लेते हैं कैसा आ गया है। देख लीजिए, बिल्कुल फाइन टेस्ट है, आप जैसे कि देख सकते हैं। और जो मसाला है वो अच्छे से भुन गया, थोड़ी देर और इसको भुनने देंगे हम, और फिर हम डालेंगे मटन इन कुकर एंड मसाला इन कुकर, और फिर बजेंगी सीटियाँ। नहीं, मुझे देखकर नहीं, मटन को देखकर। मटन का जो मसाला है वो ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है, तो अब हम इसको शिफ्ट कर देंगे कुकर में। ओके, विद सम मटन। ओके, ठीक है, अब हम इसको कुकर में डाल रहे हैं। yes. और मटन भी उसके अंदर डालेंगे हम। आप देख सकते हैं कैसे बन गई है, धुएं निकल रहे हैं अच्छे से।
ये हमने गैस बंद कर दी है और अब हम जो खाली मसाला कुकर को भरेंगे है, दोबारा। हम हमेशा खाली कुकर को भरते हैं, हम खाली कुकर गैस पे नहीं चढ़ाते राशि की तरह। और राशि एक नंबर की पागल है। ऐसा कुछ नहीं है, बेचारी बदनाम हो गई है, वो जो उसकी सास है उसने उसको बदनाम कर दिया और ये राशि ने खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया, चढ़ा दिया, चढ़ा दिया। और आप जैसे कि देख रहे हैं मसाला ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और ये डल चुका है, इसको रख देंगे हम साइड पे। अब हम बनाएंगे इंडक्शन पे, क्योंकि इंडक्शन पे जो कुकिंग प्रोसेस हो जाता है वो और थोड़ा फास्ट हो सा जाता है। जल्दी हो जाता है। इसको हमने प्रेशर कुकर पे सेट कर दिया, ठीक है। अब हम ये डालेंगे, मसाला अंदर है। इसमें हम डालने वाले हैं हमारे मटन, जो कि 750 ग्राम्स है बेसिकली। 750 ग्राम मटन ऐसे अंदर जाएगा, फिर उसके बाद साढ़े टेड अंदर जाएगा। टेड बाहर आएगा, टेड नहीं बाहर आंदा, नो कार्ब्स डाइट है। यस, अभी तो आपने बताया फिर आप भूल गए। टेड से बाहर आना ही है, जिन्होंने कीटो नहीं करनी हो ना, तो टेड बाहर आना ही है। कोई नहीं, थोड़ा जिधर टेड बाहर लग, जिधर टेड बाहर होता है वही सेठ लगता है फिर। सेठ? हाँ। सेठ लगना है जिधर पेट नहीं होता वो सेठ नहीं। अच्छा, तो सब पेट निकाल के बाहर घूमण ते पेट समझण अपने आप, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं, वेले जो है पेट कट के सेठ बने पए ने। यस, हाउ इज माय पंजाबी? पंजाबी वैसे तो मैं पंजाबी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, बट हम यूजली जो है हिंदी में ही सब बात करते थे, क्योंकि दिल है हिंदुस्तानी, ऐसी तो बात नहीं। तो अब जो है इसमें हम थोड़ी देर जो है मसाले को मसाले में भुनने देंगे मटन को, जैसा कि आप देख रहे हैं इट इज़ फुली कोटेड। तो अब हम इसको भुनने देंगे थोड़ी देर और इसको हम ढक के रख देंगे, चलो ढक रहे हैं हम कि वो थोड़ी देर भुन जाए और फिर हम इसको सीटियाँ बजवाएंगे। सीटियाँ बजवाओ इससे। और ये भुन गया है ऑलमोस्ट, इसको हमें भुनते हुए अराउंड 15 मिनट हो गए। ओह, धुआं ही धुआं। अब जिसमें हमने ग्रेवी बनाई थी उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के डाल लिया है और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ, थोड़ी सी उसकी ग्रेवी बन जाएगी। अराउंड 1.5 कप वाटर होगा ये। चलो ठीक है, अभी हो गया है जैसे कि आप देख रहे हैं इसका प्रॉपर ब्राउन कलर आ गया। और अब हम इसको जो है बंद कर देंगे। अब इसकी हम निकालेंगे सीटियाँ, कितनी सीटियाँ बजेंगी? अराउंड 5 to 6। 5 to 6 सीटियाँ के लिए हम रखेंगे इसको, ताकि प्रॉपरली ये उसके उसका जो कहते हैं उसका जो मटन का जो मीट है, जो सॉरी जो मीट है वो प्रॉपरली वो हो जाए, गल जाए। आजा आजा सीटी भाई, ये आखिरी सीटी और अब हम ये खोलेंगे बस। हमारा मटन है हमने खोल तो लिया है, अब देखते हैं ये पका है कि नहीं। पता तो अब हम इसमें जो है फोक डाल के देखेंगे। फोक तो बहुत अच्छे से अंदर घुस गया, बट ये देख रहे हो थोड़ा सा चूई लग रहा है, ये तभी सीटियाँ और बचेंगी। अब हम रह गए हैं 2-3 सीटियों से, तो बुरा लग रहा है कि टाइम लग गया है और सीटियाँ भी बड़ी इसने मारी, तब भी हम अभी थोड़ा सा उसमें रह गया है। थोड़ा सा गर्म मसाला और डाल रहे हैं, थोड़ा सा गर्म मसाला कम है। कितना गर्म मसाला डालेंगे वो? आधा चम्मच? हाफ टी स्पून ठीक है। आप अपने कोई मिर्ची के अनुसार डालेंगे, नींबू आधा, नींबू आधा, नींबू हाफ, लेमन। ये पक गया है अराउंड 9 सीटियों में 10 सीटियों में पका है ये। हाँ, 10 सीटियाँ बजवाई हैं इसने हमारी एक्चुअली। तो
तो अब हमने नींबू भी इसमें डाल दिया है ताकि एक फ्लेवर आ जाए। थोड़ा सा हल्का सा खट्टा फ्लेवर आ जाए, क्योंकि हम मटन करी बना रहे हैं, रोगन जोश नहीं बना रहे। रोगन जोश भी जब हम बनाते हैं तो उसमें हम दही डालते हैं, तो हाँ मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम हम, या कभी भी जब हम रोगन जोश बनाएंगे तो फिर आपको पता लग जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो, वो अब हम रेडी हैं यार उसको प्लेट में डालने के लिए कि नहीं? प्लेटिंग बाउल में करेंगे आपकी। ओहो मज़ेदार, देखिए बढ़िया। मटन छटन डाल देते सब हैं, मटन छटन। मैंने सुना था एक्चुअली कोई शेफ है बहुत उसने भूल रहे नमक हैं, शमक बोलता है, तो हम आज मटन छटन बोलेंगे। भूल रहे हैं अभी। ये बस स्वादिष्ट एकदम लाजवाब मटन करी ऊपर से डालो और लो जी करी करी ही करी। अब हम इसे गार्निश गार्निश करेंगे। करेंगे, लो जी हरी हरी पत्तियां, धनिया ऊपर आ जाएगा, बढ़िया। सॉल्ट पे किधर गाइस आप कैसे लगा हमारा व्लॉग? और ये व्लॉग मटन के ऊपर था, मटन, और मटन मुझे लग रहा है कि बहुत स्वाद लगा, स्वाद बना है, और अब हम खाएंगे इसको खाना। और 2 घंटे और लगे हमें दो इसे घंटे लग गए बनाने में, हमारी तो जब हालत देख रहे आपको हो। मटन बनाना हो तो प्लीज अब 2 घंटे का ग्रेस टाइम लेके चलो। हाँ 2 घंटे प्रिपरेशन टाइम पूरा मिला के नहीं है, सब बट हाफ कुछ, एन आवर, 2 घंटे पूरा है, एवरीथिंग दो इन टू घंटे आवर्स। पूरा है, तो 2 घंटे आप आपको मेरे स्पेयर करने पसीने का पड़ेंगे। मटन देख रहे तो होंगे। पसीने का मतलब क्या बात कर रहे हो? खून सो पसीने की गाइस मेहनत, तो इसमें खून तो नहीं था, मटन का खून जरूर था जो बेचारा पहले ही निकल गया था, और हमारा पसीना था। तो आई होप आपको हमारी ये खून पसीने की मेहनत अच्छी लगी होगी, और हाँ। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल गॉर्जियस फूडी, एंड प्रेस द बेल आइकॉन। फॉर मोर अपडेट्स। लव यस यू, बाय बाय टिल देन, सी यू। बाय।